ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हल्का हलचल। इस प्रोग्राम में हम आपको आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं क्या कुछ हलचल होने वाली है आज आपके हलके में। इसको लेकर हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति कालावाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, क्या कुछ अपडेट कालावाली से सामने आ रही है? इससे पहले तो बात करते हैं मौसम को लेकर, तो दो दिन का नहीं देखने को मिला है। बात को मौसम के कारण भी ज्यादा ये सिस्टम का टेम्परेचर अभी डिग्री कहीं पहुंच चुका है, तो उसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से पहले पहली क्लास से लेकर आठवीं क्लास के बच्चे कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लंबे समय से बड़े बच्चों की प्रक्रिया को जिला प्रशासन की ओर से कल अपडेट भी जारी किए गए हैं कि आठवीं से बारहवीं तक के बच्चे के जन्म 30 जून तक जो है छुट्टियां घोषित कर दी गई है। 1 जुलाई को जो गर्मियों की छुट्टियां भी गया होगी और अब जो स्कूल है 1 जुलाई को लगेंगे। इसको लेकर अब आपको एक जिला प्रशासन का जो आभार व्यक्त किया है कि अधिक वेग और बढ़ते मौसम के कारण जो अलर्ट किया गया है उसको लेकर जो बच्चों की छुट्टियां हैं उसको लेकर अब आपको की ओर से जिला प्रशासन का धन्यवाद किया गया है। दूसरी बात कर लेते हैं किसानों की, तो किसानों की ओर से किसान जथेबंदियों की ओर से बीपीए के अध्यक्ष लविंदर सिंह और क्योंकि लंबे समय से जो है कंट्री जो शहीद मिलकर परिवार के उनकी अतियों के साथ जो प्रशंभु और जो बोर्डों का किसानों के साथ लक्ष्य क्या होते हैं उसको लेकर जो अभी डैली बनाई है गाँव गाँव जाकर जो बॉर्डरों पर जो घर पूर्ति दिखाने का काम किया जा रहा है उसको लेकर आज यात्रा है जो डबोवाली में पहुंची है और डबोवाली में एक माप सम्मेलन भी और उनकी ओर से किया जाएगा। किसानों को जागरूक किया जा रहा है, कहना कि किसान जथेबंदियों की ओर से किसान नेताओं की ओर से एक ही डिमांड की जा रही है कि भाजपा सरकार से जो दूरियां बनाई थी सरकार ने किसानों पर जो अत्याचार किए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों की ओर से ओबी बहनों के माध्यम से लगातार जो तीन बहने हैं तीसरे जिला में जरूरी है किसानों को मुझे दिखाने का काम किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं कालावाली की, कालावाली में पानी की जो लंबे समय से किल्लत चल रही है लगातार हम जब 3-4 दिन की सप्लाई मिला है उसको लेकर जो है बाढ़ 1-2-3-4-5 की महिलाएं एकत्रित होकर आज जो है प्रदूषण करने का काम करेगी क्योंकि बिजली भी लंबे समय से नहीं मिल रही है, लंबे तक लग रहे कहीं ना कहीं गर्मी के चलते मौसम में गर्मी बिजली और पानी है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर आकार रखा हुआ प्रशासन के अधिकारियों को जो है धरना प्रदर्शन करने के बाद में ज्ञापन देने का काम उनके से किया जाएगा। लेकिन बात करें राज्य कंचल की तो आज देखने को मिलेगा कि सिरसा जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें प्रियंका गांधी है जो आएगी उनका रोड शो है जो निकाला जाएगा। प्रियंका गांधी का रोड शो फतेहाबाद से होते हुए सिरसा में दावा वाली जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। दो दिन पहले देखने को मिला था कि सिरसा भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के जो पक्ष में यूपी के जो मुख्यमंत्री है जो भी आदित्यनाथ वह आए थे कहीं ना कहीं थोड़ा सी मानसिक कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में छूट गई थी कि बड़े नेता प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जैसे ही रोड शो कल फाइनल होगा कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में जो गाड़ियां कालावाली हल्का की अगर बात की जाए कालावाली हल्का के लोग हैं जो एकत्रित हो रहे हैं कई आज सुबह से हमारे पास हमारे टीम के पास फोन आ रहे हैं कि जो रोड शो में शामिल होने जाएंगे कहीं ना कहीं बड़ा एक रोड शो होगा। इसको लेकर कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भाजपा की प्रत्याशी की बात करें तो डॉक्टर अशोक तंवर जो है आज सिरसा और डेमोक्रेट कालावाली के कई कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष करेंगे और लोगों से वोटों की अपील करते नजर आएंगे। भाई नेंदो की बात करें तो नेंदो के डॉक्टर जो भी अभय सिंह चौटाला जो है दिल्ली करके गए थे उसके बाद जो है नेंदो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। कालावाली की जो सिरसा के जो लोकसभा प्रत्याशी है डॉक्टर संदीप लोटा ने आज कालावाली और सिरसा में आएंगे और लोगों से वोटों की अपील करेंगे। उनके पक्ष में जो है हल्का जसविंदर सिंह बिंदू डोर टू डोर करते नजर आ रहे हैं। कई गाँव 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 जाकर सील है उनको बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो एजेंडा बनाने का उनकी ओर से काम किया जा रहा है। जिसपा की बात करें तो जनता के प्रचार ने थोड़ा कभी भी रूट देखने को मिल गया लेकिन आज तो जनता के जो नेता है कालावाली आए और लोगों से अपील करते नजर आएंगे। ये बाया करेंगे उस पर आएंगे, उससे पहले हमें तापमान पर अपडेट दीजिए कालावाली से आसपास के क्षेत्रों से और उसको लेकर क्या कुछ एडवाइस जारी की गई कि आज कुछ तैयारियां की गई हैं। जी बिल्कुल, सिरसा जिला के कंप्रेक्टर की बात करें सिरसा इलाहाबाद एरिया तो रोड़ी जो पंजाब और राजस्थान के साथ कटा हुआ एरिया है जहाँ पर कंप्रेक्टर की बात की तो 47 से 48 डिग्री कंप्रेक्टर जो नाका जा रहा है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ओर से भी जो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि थोड़ा कल शाम को देखने को मिला था हल्की जो बूंदाबांदी सिरसा शहर में जो थोड़ा देखी गई थी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने की कारण थी। लेकिन जल प्रशासन मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से अलर्टेशन जो है जारी किया गया है और
अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि दिन के समय भी ज्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, दिन के समय घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जरूरी कारण घर से बाहर निकले और बाहर निकलते समय कहीं ना कहीं कपड़ा सिर पर जो ठंडे पानी का है लगाते ही निकले और पूरी बाजू में बस्ता पहने और दूसरों का उपयोग है तो करते रहे, खान पान में जो है कच्ची बस्ते या कच्चे पके फलों का उपयोग न करे और किसी प्रकार की गर्म बस्ते का उपयोग न गर्म खान पान का उपयोग न करे और शीतल जल है लिक्विड जूस है या ओआरएस का घोल है या नींबू पानी का उपयोग करते रहे। इसको लेकर भी एडवाइजरियां जो जारी की गई है, मौसम विभाग की ओर से अलर्टेशन जरूर लोगों को किया गया है कि अगले जो 3 दिन है मौसम और भी जो है कहीं ना कहीं गर्म मौसम हो सकता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मौसम विभाग की ओर से अलर्टेशन किया गया है। वही अगर बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन बार बार लोगों से अपील करता लग रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। और वही अगर बात कर रहे अस्पतालों की, तो अस्पतालों में इन दिनों देखा जा रहा है कि डायरिया जड़ की उल्टी और दस्त के मरीज हैं जो ज्यादातर सरकारी स्तरों में देखे तो बजाय, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों की बात करें, डबोवाली की बात करें, कालावाली की बात करें, रोडी क्षेत्र की बात करें, सिरसा सिविल अस्पताल की बात करें, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो कमी है देखे तो गंदी है। उनको लेकर लोग बार बार प्रशासन और सरकार से जो अपील करते नजर आ रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए और लोगों की जो दवाइयां हैं जो मिली प्रकार की जो दवाइयां हैं जो लगातार हर रोज में भूल होती है, तो कहीं ना कहीं उनका अमल किया जाए तो दवाइयां नहीं मिल पा रही है, इसको लेकर भी लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। लाया और मतदान को लेकर सिरसा के सभी बूथों पर चुनाव विभाग के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, एक मतदान ज्यादा से ज्यादा हो? जी बिल्कुल, मतदान की बात करें तो 25 मई को जो मतदान हो रहा है उसको लेकर प्रशासन की बात की गई, प्रशासन जिला परिषद के उपाध्यक्ष जो आर ओ है डॉक्टर आर के सिंह जिले के डीसी सिरसा है, वह बूथ बूथ जाकर कुछ चेकिंग कर रहे हैं, जो चेकिंग किया है उनकी ओर से जो है अब निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रकार की जो कमियां पूरी की जाए। देखा गया कि छाये की व्यवस्था की गई है, कहीं ना कहीं बूथ ऐसी जगह पर बनाए गए जहाँ पर छायेदार वृक्ष हो या टेंट लगे हो या किसी प्रकार की बैठने के टेंट वगैरह का प्रबंध किया गया, ठंडे पानी की जो व्यवस्था है पीने की व्यवस्था की गई है, लोग लंबी कतारों में जाओ, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से जो है लोगों को अपील की जा रही है कि आज सुबह और से निकलकर जो है मतदान किया जाए, कहीं ना कहीं पंखे और कूलरों का जो प्रबंध है वह किया गया है, ऑनलाइन जो है लंबी जो कतारें लग जाती है तो उसको लेकर उपायुक्त महोदय की ओर से जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कि किसी मतदान पर अगर लंबी कतार लगती है या किसी प्रकार की कोई ऐसा घटना होती है तो जिला प्रशासन के पास तुरंत जो है सूचना मिल जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे प्रबंध जो है अगर बात करने झूठ सतह पर तो ज्योतियां जो तैनात कर दी गई है, कहीं ना कहीं अगर खान पान की व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से पूरा प्रबंध जो कर लिया गया है और कैंडिडेट के जो एड्रेस बैठने हैं उनसे भी जो तालमेल है प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई ऐसा घटना ना हो और गर्मी के चलते किसी प्रकार की वोटर को ऐसा ना हो, प्रशासन की ओर से बार बार लोगों से अपील कर जा रही है और आप भी हम हमारी टीम के माध्यम से आपका चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि 25 मई को महापर्व है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और मतदान के लिए घरों से निकले, आज सुबह जो है आज सुबह जब किसान बढ़ते संस्थाया के मौसम में है जो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जी कलाया, ठीक है जगदीश, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिर से लौटूंगी आपके पास, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। चाचा नौकरी लग गई है, दो कड़क चाय बना मोदी दो। जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं, और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचे और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। केसरी विमल बोलो जुबान केसरी। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, ये है मोदी की गारंटी। हे मॉम, हे लुक, आई कैन डाउनलोड अ
song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus. Three easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana. Download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kits. एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम शुरुआत करेंगे हमारी चर्चा के। हमारे साथ संवाददाता जगदीश प्रजापति लगातार बने हुए हैं कालावाली से। जगदीश, तमाम बातें हुई तापमान को लेकर, तापमान सियासत में भी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपने प्रचार में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिन आए थे, अमित शाह भी पिछले दिन आए थे प्रचार करने, अब हमारे पूर्व सीएम मनोहर लाल भी प्रचार प्रसार में लगातार जुटे हुए हैं। अब आज बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, तो उसको लेकर लोगों में कितना उत्साह है? कार्यकर्ताओं में तो उत्साह रहेगा ही, लोगों में कितना उत्साह है? क्योंकि लोग जो हैं अब 25 तारीख को लोगों के हाथों में है, अब किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। तमाम पार्टी तो अब अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन अब लोगों का अगर बात करें, लोगों का रुख किस तरफ है? प्रियंका गांधी को लेकर लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है सरसा में की अगर बात करें तो? बिल्कुल, बात करने से राजनीतिक पार्टियों को सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचार के मैदान में उतार दी है। वही अगर मौसम में जमात के साथ साथ सियासत में भी जमात आई हुई है। अगर देखने को मिला पूरे सिस्टम में यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ आए थे, लोगों का जमावड़ा जरूर उनको देखने के लिए पता कि लोग जो है जून जो है वहां पर बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह था कि योगी आदित्यनाथ का सुनेंगे कि कैसा बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा के लोग जो है क्षेत्रीय भाषा लोकल भाषा में कहे तो बागी भाषा है, तो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा से अटैच होती है, तो सुनने के प्रकार सुनने के लिए लोग जरूर पहुंचते थे। लेकिन कहीं ना कहीं दो तीन जो पान जुड़ी और नुक्कड़ सभाएं जो होती है, जब यू कहें कि गाँव चौपाल होती है तो वहां पर चर्चा देखने को मिले कि आदित्यनाथ जैसे बताए तो लोग सोचे तो बहुत को काफी लुभा नहीं पाए, कहीं ना कहीं लोगों में एक निराशा को छोड़ने का काम करती है। आज तो प्रियंका गांधी पहुंच रही है तो आम लोगों की बात की जाए जो किसी पार्टी जुड़े लोग को पहुंचते हैं, अगर दूसरी पार्टी के लोगों की बात की जाए तो दूसरी पार्टी के लोग आम लोग भी जो है रोड शो में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सुनने और उनको देखने के लिए जरूर जाएंगे। अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी जो है अपनी छाप चिंता जिला में छोड़ पाते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की जो प्रत्याशी कुमारी सैलजा क्या उनके लिए वोटर जो क्योंकि भीड़ तो उनको देखने और सुनने के लिए जरूर पहुंचेगी, क्या दो भीड़ को वोटर ये करवा कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी। साथ ही जो है चर्चा जो है आगे सुबह है जो देखने को मिली थी, लोग वहां पर चाहे या अखबार जो जहां पर मिल रहे थे बुजुर्ग लोग जब चर्चा करते हैं तो उन्हें यही चर्चा थी कि क्या प्रियंका गांधी आप इन वोटों को कन्वर्ट कर पाएगी या अब ये क्या जो है लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं। जी अलाया, ठीक है जगदीश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी विस्तार तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही, आपसे लेंगे विदा, नमस्कार।